एडीजीपी की पहल का हुआ असर, गरीब महिलाओं के 25 परिवारों को मिला रोजगार। बता दें कि कौशल विकास योजना के अंतर्गत रीवा शहर के निराला नगर स्लम बस्ती निवासी 25 महिलाओं को आज 40 दिन का प्रशिक्षण देने के बाद प्रमाण पत्र और सिलाई मशीन वितरित की गई है। इस कार्यक्रम के दौरान बतौर मुख्य अतिथि पूर्व मंत्री एवं रीवा विधायक राजेंद्र शुक्ला उपस्थित रहे। साथ ही संभागीय कमिश्नर अनिल सुचारी, एडीजी के पी वेंकटेश्वर राव, डीआईजी मिथिलेश शुक्ला सहित महिला बाल विकास के अधिकारी और आजीविका मिशन के कर्मचारी गण उपस्थित रहे। हम आपको बता दें कि एक निजी सीमेंट कंपनी और पुलिस विभाग के सहयोग से कौशल विकास योजना के अंतर्गत शहर के निराला नगर स्थित स्लम बस्ती में रहने वाली महिलाओं को सिलाई और कढ़ाई का प्रशिक्षण शिविर निराला नगर में लगाया गया था। इस दौरान 40 दिनों तक चले इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में 25 महिलाओं को सिलाई और कढ़ाई में पूरी तरह से प्रशिक्षित किया गया, जिसके बाद आज एक कार्यक्रम आयोजित कर इन प्रशिक्षित महिलाओं को प्रमाण पत्र वितरित करते हुए उनके आगे के स्वयं के रोजगार के लिए सिलाई मशीनें वितरित की गई है। इस दौरान अतिथियों ने कहा कि जिन 25 महिलाओं को प्रशिक्षण दिया गया है, अब वह इस सिलाई मशीन के माध्यम से अपना स्वयं का रोजगार स्थापित कर सकती हैं और रोजी रोटी में लग सकती हैं, साथ ही अपने परिवार का भी भरण पोषण कर सकती हैं। अतिथियों ने कहा कि हम सबका प्रयास है कि ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं को प्रशिक्षण देकर उनको स्वयं का रोजगार दें, इसके लिए हम हर संभव प्रयास करेंगे। प्रस्तुत है कार्यक्रम की एक झलकी सहित एडीजीपी के पी वेंकटेश्वर राव एवं पूर्व मंत्री राजेंद्र शुक्ला से प्राप्त जानकारी के अंश। पुलिस की तरफ से हमें एक छोटा सा एक पहल किया गया है, उसका एक आज बता रहे हैं कार्यक्रम में आप सब उपस्थित हुए। मुझे सीएम साहब की मीटिंग्स में कई बार कहा जाता था कि हर विभाग कुछ ना कुछ अपना एक अनएम्प्लॉयमेंट में एक रास्ता बच्चों को दिखाया जाए, तो उससे प्रेरणा लेकर हम पिछले जोन में भी मैंने एलएनटी में के माध्यम से कुछ तीन जो बच्चों को मैंने नौकरी दिलवाया। अब यहाँ आके मुझे प्रयास किया एलएनटी में ले जाने के लिए, मगर बच्चे उतना पॉजिटिव रिस्पांस नहीं मिला। मगर एक बार प्रीतम सीमेंट के पार्टिसिपाए तो इसी समय हमारे नशा मुक्ति का अभियान चल रहा था, तो उसी में नगर की बड़े उपेक्षा भरे हिसाब से देखते हैं, अरे साहब तो मतलब है उसको हटाइए, उसको भगाइए, बहुत गंदगी है। एक और तो इस प्रकार से देखने वाले लोग हैं बैठ, और दूसरी ओर वेंकटेश्वर राव के जैसे लोग हैं जो उस पर संभावनाएँ देखने का काम करते हैं। यहाँ के गरीब माताएं बहने जो नरक का जीवन जीने के लिए मजबूर हैं, इस सोच के कारण ही फिर उनके दिमाग में ये चला तो सीमेंट वाले सीएसआर में बहुत काम करते हैं, तो क्यों ना ऐसी जगह करें जहाँ पर वास्तव में सबसे ज़्यादा जरूरत है। इस प्रकार के योजना को चलाने की आवश्यकता यदि कहीं थी हमारे निराला नगर की स्तंभ में।